मेरे प्यारे बच्चों, आज कहानी पाठ जुम्मन का दूसरा दिन है। अब तक हम लोगों ने जाना कि जुम्मन के परिवार वाले कई पीढ़ियों से सिलाई का काम कर रहे थे और लेखक के पिता और जुम्मन एक सच्चे गहरे मित्र थे। जुम्मन दर्जी का ही काम करता है, लेकिन लेखक के पिता वकील बन जाते हैं। और गांव में किस तरह सिलाई के मामले में ही जुम्मन की खूब नाम होता है और सभी उन्हीं से कपड़ा सिलवाने चाहते हैं। वो बहुत ही त्योहारों के मौसम में व्यस्त हो जाते हैं। इस काम में उनके दो बेटे भी हाथ बटाते हैं। अब आगे की कहानी हम जानते हैं। जुम्मन कभी काम को बेगार की तरह नहीं करते थे। गांव में सभी तो उनके सगे थे। कोई उनका भाई था तो कोई भतीजा, कोई नाती था तो कोई चाचा। अब कौन कितनी सिलाई देता, ये जुम्मन कभी इसकी चिंता नहीं करते थे। सिलाई में सब उसे पैसे भी दे, पैसे ही दे, इस बात की भी गारंटी नहीं थी। क्योंकि गांव में ऐसा होता है ना बच्चों, कि जिसके पास जो सामान अधिक होता है, जिसके पास दूध अधिक हो रहा है या अनाज अधिक हो रहा है, तो वह उसके द्वारा भी मूल्य चुका सकता है। तो यही जुम्मन के साथ भी होता था। गांव के ग्वालिनों ने दूध दही छोड़ के उन्हें कभी कुछ दिया ही नहीं। और जमींदार और अच्छे किसानों ने भी जुम्मन कभी उनसे पैसे नहीं लेता था, क्योंकि फसल के समय जुम्मन के घर अनाज पहुँच जाता था उनके यहाँ से। कभी खलिहान में जाकर उनके लड़के ले आते थे तो कभी वे ही लोग पहुँचा देते थे। जुम्मन के घर की मरम्मत के लिए खपरेल गांव का कुम्हार देता था। उसका छत ढलाई वाला नहीं था, इसलिए खपरेल के मकान में वह रहता था। और जुम्मन शादी ब्याह या त्योहारों के अवसर पर उसके कपड़े बिना सिलाई के लिए ही सी दिया करता था। इस तरह से दोनों काम हो जाता था। जुम्मन तो पूरे ग्राम परिवार के प्राणी थे। उन्होंने कभी अपने को अलग समझा भी नहीं। जानते हो बच्चे, जो लेखक थे उनके यहाँ अगर जनेऊ मुंडन भी होता तो जुम्मन अपने परिवार के साथ भोज पे जाते, और जो अंत में नेक दिया जाता वो भी लेके आते थे। और लेखक के इस कहना है कि वो जुम्मन रामलीला में भी बहुत ही खुशी से भाग लेते थे। वानरी और राक्षसी वस्त्रों की जो होती थी ना, सेना के वस्त्र, उसकी मरम्मत के लिए वो पैसे भी नहीं लेते थे। कभी कभी वे नाटक में भाग भी लेते थे। और राजगद्दी के समय जो भाणों का स्वांग होता था ना, जो मस्खरा लोगों का, वो भी जुम्मन अवश्य उसमें भी सम्मिलित होते थे। बधाइयाँ भी गाते थे राम राज्य की। उनका गला भी बुरा नहीं था। तो बच्चों बताओ, जुम्मन किस अवसर पर बड़ी प्रसन्नता से भाग लेते थे? तो रामलीला के अवसर पर। लेखक के पिताजी जब तक जीवित रहे तब तक जुम्मन के अलावा और किसी के हाथ का कपड़ा उन्होंने नहीं पहना। पिताजी के जीवन में गांव से भी संबंध बना रहा और जुम्मन के दर्शन भी होते रहे लेखक का। लेकिन पिताजी के देहांत होने के बाद ये संबंध टूट सा गया। और एक बार ऐसा हुआ कि लगभग 8 साल के बाद लेखक का गांव में आना हुआ, वो भी किसी परिचित के विवाह में। आगे की कहानी अब बाद में सुनेंगे बच्चों, अब समय है गृह कार्य की। आप अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। देखिए, लेखक के पिता जुम्मन का क्या संबंध था? तो मित्रता का संबंध था, पूरे वाक्य में लिखा। दूसरा, किन अवसरों पर जुम्मन के पास काम अधिक हो जाता था? तो दशहरा, होली और ईद के अवसर पर। तीसरा, गांव के जमींदार जुम्मन को कपड़ों की सिलाई किस रूप में देते थे? गांव के जमींदार जुम्मन को कपड़े की सिलाई अनाज या फसल के रूप में देते थे। चौथा नंबर, गांव के दशहरे के उत्सव में जुम्मन किस प्रकार भाग लेते थे? तो गांव के दशहरे के उत्सव में जुम्मन प्रसन्नता से भाग लेते थे।